आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इंडस्ट्रीज में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कहां से कैसे पावर जाता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वीडियो पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज और आप लोग देख रहे हैं द इंजीनियरिंग वाले यूट्यूब चैनल। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों को बोल देता हूँ कि जो इंडस्ट्री में जितना सारा जो पैनल्स रहता है, एमसीसी पैनल, पीसीसी पैनल, एपीएफसी पैनल, एसटी पैनल, एलटी पैनल, ये जो पैनल के ऊपर मैं वीडियो में डिटेल में बना के रखा हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप लोग चैनल में जाके भी देख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे सामने जो देख रहे हैं, हम लोग का एक प्रोजेक्ट का काम चल रहा है 132 kV ग्रिड का। ये अभी काम ये कम्प्लीट हुआ नहीं है, काम अभी चल रहा है। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 132 kVA का, ठीक है। ये पूरा ग्रिड का काम अभी चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ, देखिए जो हम लोग का जो इंडस्ट्री है, एक सीमेंट प्लांट है, ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चर होता है। जो इंडस्ट्री में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले तो एक जो हम लोग का जो कंपनी है, खुद का एक इसका एक पावर प्लांट है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि वो वहाँ पे देखिए एक लाइट जल रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग का पावर प्लांट है। अभी वहाँ से हम लोग का पावर आता है यहाँ पे ये बोलते हैं MRSS मीन्स मेन रिसीविंग सब स्टेशन, ठीक है। ये मतलब मेन कंट्रोल रूम है, ठीक है, जो कि हम लोग लोड सेंटर बोल सकते हैं, क्योंकि पावर प्लांट से जो पावर आ रहा है, आने के बाद यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। पावर प्लांट का टाई ब्रेकर रहता है, वहाँ से पावर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो फिर चलिए एक एक करके देखते हैं। वीडियो में थोड़ा पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है VCB पैनल, ठीक है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। थोड़ा सा ओवर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये टोटल है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये मतलब मेन रिसीविंग स्टेशन है, ठीक है, जो हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MRSS, मेन रिसीविंग सब स्टेशन, हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो है पूरा, देखिए आप लोग का सामने ये पूरा पैनल है, ठीक है, ये ST पैनल है, ठीक ना, ये ST पैनल है। हम लोग का जो इंडस्ट्री में जो वोल्टेज यूज हो रहा है 6.6 kV, ठीक है, और 413 वोल्ट। तो एक एक करके पूरा फुल डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए ऐसे क्या होता है यहाँ पे, देखिए अभी जो पावर प्लांट से जो पावर आ रहा है ना, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक जो पैनल है लिखा है, यहाँ पे देखिए इनकमर, ठीक है, जो कि हम लोग का जो पावर प्लांट है CPP कैपेसिटी पावर प्लांट जिसको बोला जाता है, आप लोग के सामने यहाँ पे लिखा भी है, देख सकते हैं, ठीक है। ये मेन इनकमर हो गया, यहाँ पे फर्स्ट पावर यहाँ पे आ रहा है। अभी उसके बाद आप लोग को पता होगा जो पैनल के अंदर कॉमन बस बार रहता है, ठीक है, जब यहाँ पे पावर आ गया मेन, ठीक है, मेन जो पावर इनकमर यहाँ पे आ गया, आने के बाद इसको जब हम लोग ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद क्या होगा, टोटल जितना भी यहाँ पे VCB है, सब VCB चार्ज हो जाएगा, ठीक है, सब में पावर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से ना हम लोगों का फील्ड में टोटल 4 लोड सेंटर है, ठीक है, तो अलग अलग जगह पे ना यहाँ से पावर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अभी कैसे हो रहा है देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए, तो सबसे पहले हम लोग का LC ऑन देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लोड सेंटर 1। यहाँ पे देख सकते हैं ये आउटगोइंग LC 1 मतलब लोड सेंटर 1, ठीक है, ये क्रशर सेक्शन के लिए है, जो LS क्रशर रहता है, यहाँ से जा रहा है। ये जो VCB है, ये जो VCB है 7.2 kVA का है, जो रेटेड जो KVA का है ना, रेटेड जो रेटिंग जो रहता है, रेटिंग जो वोल्टेज है 7.2 kVA का, ठीक है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का है, देख सकते हैं। यहाँ पे पैनल के ऊपर वगैरह कुछ इंडिकेशन भी, इंडिकेशन और माइकम रिले फिले सब मास्टर ट्रिप रिले अनुसूचित लगा हुआ है। मैं ST पैनल के ऊपर फुल डिटेल बना के रखा हूँ, वो सब आप लोग जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग देखना चाहते फिर चैनल पे जाके देख सकते, पूरा फुल डिटेल में बात किया उस सब वीडियो में, LT पैनल के ऊपर, ST पैनल के ऊपर और PCC MCC पैनल के सब के ऊपर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको ऑन करेंगे, ऑन करते चला जाएगा कहाँ पे, LC ऑन, जो हम लोग का लोड सेंटर है वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये LC 2 मीन्स लोड सेंटर 2, और एक जो लोड सेंटर है ये जा रहा है रॉ मिल सेक्शन पे। यहाँ से जब हम लोग इसको ऑन करेंगे तो फिर वो वाला सेक्शन पे चला जाएगा, ओके। उसके बाद ये नॉर्मल जो स्पेयर फीडर है, ठीक है, हम लोग का एक ट्रांसफार्मर जो माइंस में जा रहा है यहाँ से सप्लाई, ठीक है, ये बस कपलर है, और मैं बस कपलर के ऊपर में भी डिटेल में वीडियो बना कर रखा हूँ, पूरा प्रैक्टिकल वीडियो, आप लोग देखना चाहते हो फिर वो भी देख सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये लोड सेंटर थ्री, ये जा रहा है किलन सेक्शन पे, ठीक है। लोड सेंटर थ्री यहाँ से लोड सेंटर तीन नंबर लोड सेंटर पे जा रहा है, ओके। ये तो मेन इनकमर हो गया था, और एक बस कपुलर है, स्पायर फीडर है, डीजी इनकमर इनका है, ठीक है। और लास्ट में है क्या है यहाँ पे आउटगोइंग एलसी फोर मीन्स लोड सेंटर फोर। हम लोग का यहाँ पे टोटल चार लोड सेंटर है, यहाँ पे जो जा रहा है सीमेंट मिल पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेन पावर सर हर जगह पे जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए तो यहाँ से जितना भी पावर चारों लोड सेंटर पे जा रहा है, तो अभी मैं एक लोड सेंटर में जाके आपको दिखाऊंगा वहां से मतलब कहाँ कहाँ पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो एक लोड सेंटर भी दिखाऊंगा, और जितना भी लोड सेंटर है हर लोड सेंटर में सेम ही ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं एक एक लोड सेंटर में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो फिर चलिए ओवरऑल लोड सेंटर में चलते हैं। तो वीडियो में थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, वहां पे जाकर ऑन करता हूँ। हम लोग का लोड सेंटर वन ये है, ठीक है, जो कि अभी ये रनिंग कंडीशन पे है, जो एलएच क्रशर अभी चल रहा है, ठीक ना। तो अभी देखिए और एक चीज़ है, अलग अलग इंडस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग वोल्टेज हो सकता है, ठीक है। हम लोग का यहाँ पे तो 6.6 हो रहा है, तो 11 के भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग वोल्टेज हो सकता है। एज पर आप लोग का फील्ड में कौन सा मोटर लगा हुआ है, कितना ऑपरेटिंग का वोल्टेज मोटर लगा हुआ है, तो उस करंट वोल्टेज ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन बेसिक जो सिस्टम ऐसा ही होता है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्री में, मेन पावर प्लांट हो गया, मेन एक रिसीविंग स्टेशन रहेगा, उसके बाद एक स्टेशन से डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अभी देखिए लोड सेंटर का यहाँ पे देख लेते हैं। अभी जैसे कि एमआरएस में हम लोग देखे थे, जो मेन रिसीविंग स्टेशन था वहाँ से जब हम लोग ऑन कर दिए थे, ऑन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे भी सेम ये है बीसीबी ब्रेकर, ठीक है। ये बीसीबी ब्रेकर है, ये भी है 6.6 केवी ऑपरेटिंग वोल्टेज है। मेन इनकमर यहाँ पे आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका भी मेन इनकमर है, ठीक ना। जब हम लोग इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद क्या होगा, कॉमन बस बार है, कॉमन बस बार से हर ब्रेकर यहाँ पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। होने के बाद और एक चीज़ देखिए, जो हम लोगों का यहाँ पे जो प्राइमरी क्रशर है और सेकेंडरी क्रशर, दो क्रशर रहता है एलएस में, आप लोगों को पता होगा जो इंडस्ट्री में, जो सीमेंट इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, कि ये जो प्राइमरी की जो क्रशर है हम लोग का, यहाँ पे जो एक एसटी मोटर है जो कि स्लिप रिंग मोटर है, ठीक है, 360 किलोवाट का, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है 6.6 केवी। तो देखिए जो मेन इनकवर वहाँ पे हो गया था, जब इसको ऑन कर देंगे हर ब्रेकर में चार्ज हो जाएगा। होने के बाद अभी जब हम लोग इसको ऑन करेंगे, जब इसको पीएलसी से जब ऑन कमांड देंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट वोल्टेज चला जाएगा कहाँ पे, हम लोग का जो फील्ड में जो मोटर लगा हुआ है एसटी मोटर, वहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि 6.6 केवी से वो मोटर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। ये प्राइमरी का है, ये सेकेंडरी का है, मतलब यही चीज़ है, मतलब जो मोटर जो भी इक्विपमेंट 6.6 केवी से ऑपरेट हो रहा है, वो डायरेक्ट यहाँ से एक एक फीडर हम लोग अलग अलग लगा के रखे हैं, यहाँ से चला जाएगा, ठीक ना। तो बेसिक यही होता है। अभी हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को ज़्यादातर फील्ड में छोटा मोटा बहुत छोटा भी मोटर भी बहुत ज़्यादा रहता है, एसटी मोटर तो बहुत कम रहता है, लेकिन छोटा मोटर तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए हम लोग को 415 वोल्ट चाहिए। तो 415 वोल्ट कैसे हो रहा है वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए जैसे कि इनकमर ऑन कर दिया था, यहाँ पे जो एसटी में जो जाना था यहाँ पे तो चला गया। जाने के बाद यहाँ पे और एक देखिए, जो ऑक्सिलरी फीडर एक यहाँ पे है, ऑक्सिलरी ट्राफो फीडर, मतलब ये एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का फीडर है, ठीक है। जब हम लोग इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद क्या होगा, यहाँ से पावर चला जाएगा। यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जो कि है 1000 KVA का। अभी ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इस ट्रांसफार्मर के ऊपर मैं पूरा फुल डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ, क्या क्या पार्ट्स रहता है यार, कहाँ कहाँ पे लगा हुआ रहता है, ए टू जेड पूरा डिस्कस किया हुआ, और कैसे वो उसका फंक्शन क्या रहता है, ठीक है। वाला वीडियो हम लोग देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और चैनल पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी जैसे कि यहाँ से ऑन कर दिया था, ऑन करने के बाद क्या होगा, ट्रांसफार्मर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पावर आ गया, इसका प्राइमरी साइड में आ गया। ये जो 1000 KVA का, ये 1000 KVA का ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये क्या कर रहा है, जो 6.6 KVA वोल्टेज को 415 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप डाउन कर रहा है। अभी जब यहाँ पे स्टेप डाउन हो गया, होने के बाद क्या होगा, इसका सेकेंडरी साइड यहाँ से जा रहा है, जाने के बाद हम लोग का जो है यहाँ पे एक पैनल है, पीसीसी पैनल, ठीक है, ये है पीसीसी पैनल, जो पीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है पावर कंट्रोल सेंटर, ठीक है। यहाँ से 413 वोल्ट कन्वर्ट हो गया ट्रांसफार्मर से होने के बाद, यहाँ पे हम लोग का पावर अभी आ गया। यही इसका मेन इनकमर है, जो कि एसीबी सर्किट ब्रेकर है,
ठीक है, यहाँ पे पावर आ गया। जब हम लोग इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद ऊपर में कॉमन बाज बार रहता है, सेम ऊपर में कॉमन बाज बार है, कॉमन बाज बार चार्ज हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट एक एक फीडर है। ये MCC2, MCC मीन्स मोटर कंट्रोल सेंटर, MCC2, MCC1, FEFC पैनल अलग अलग है, तो सब पैनल यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। ठीक है, चार्ज होने के बाद जब हम लोग मान लीजिए MCC2 या MCC1 को जब हम लोग ऑन करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक एयर सर्किट ब्रेकर लगा के रखे हैं। जब मान लीजिए हम लोग इस MCC1 को जब चालू करेंगे, तो MCC1 जब चालू करेंगे तो क्या होगा, और एक पैनल है जिसको हम लोग बोलते हैं मोटर कंट्रोल सेंटर, यहाँ से मोटर चालू होता है। ठीक है, जो ड्यूएल जो स्टार्टर रहता है ना, ये जो फीडर जो रहता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का सामने, यहाँ पे इसको बोला जाता है MCC पैनल, जो होता है मोटर कंट्रोल सेंटर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक मेन एक AC भी लगा हुआ है, जो कि PCC पैनल में एक लगा हुआ था MCC1 पे, सेम यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं MCC1 है, तो वहाँ से PCC से पावर यहाँ पे आ रहा है। ठीक ना, यहाँ पे आ गया पावर। आने के बाद क्या होगा, जब हम लोग इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद सेम कॉमन बस बार रहता है, हर बस बार में चार्ज हो जाएगा, फीडर में पावर आ जाएगा। जब PLC से, जब DCS से, जब CCR से जब हम लोग यहाँ पे कमांड देंगे, कमांड देने के बाद क्या होगा, ये जो फीडर है, ये देखिए एक वाइब्रेटर स्क्रीन है, वाइब्रेटर स्क्रीन वाला है। ठीक ना, तो ये जो फील्ड में जब मोटर लगा हुआ है, वो वाला मोटर यहाँ से चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पीछे IO पैनल रखा हुआ है, यहाँ पे IO पैनल से, ठीक है, यहाँ से इसके साथ कनेक्टेड है, इसके थ्रू होता है सब ऑन ऑफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूरा एक एक डिफरेंट फीडर है, टोटल अलग अलग फील्ड में जो मोटर लगा हुआ है, कन्वर बेल्ट हो गया, बहुत सारा मोटर रहता है, फैन हो गया, वैक फिल्टर फैन हो गया, ब्लोअर हो गया, सब यहाँ से चलता है। ठीक ना, ये हो गया हम लोग का MCC पैनल का। उसके बाद PCC पैनल से यहाँ पे एक लाइटिंग पैनल भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं MLDB, उसके बाद MPDB रहता है। ठीक है, यहाँ से सब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब जो मेन PCC पैनल है, यहाँ से जो LT पैनल जहाँ जहाँ पे होना पावर जाना चाहिए, यहाँ से सब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पावर। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही इंडस्ट्री में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ पे देखिए एक APFC पैनल है, ये जो हम लोग का APFC पैनल है, इसके साथ कनेक्टेड है पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए। आप लोगों को पता होगा अगर इंडक्शन मोटर चलता है तो फिर पावर फैक्टर कम रहता है, तो पावर फैक्टर हम लोग को इम्प्रूव करना पड़ता है, तो इसलिए APFC पैनल यूज़ कर रहे हैं। ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर है, ऑटो में काम करता है। ठीक है, जो PCC पैनल का जो मेन इनकमर है, CT से इसका रेफरेंस लेता रहता है। जब पावर फैक्टर खराब होता है तो फिर जो APFC पैनल उसको कम ज़्यादा करता रहता है, वो ऑटो में ये करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ST कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है, जो कि हम लोग ST मोटर के लिए है, 1-2 जो प्राइमरी कशर के लिए है, सेकेंडरी कशर के लिए। ठीक है, उसके बाद और भी है, यहाँ पे बैटरी चार्जर लगा हुआ है, जो कि 110 वोल्ट जो कंट्रोलिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसके ऊपर बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बोल रहा था ना, MPDB पैनल, मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये क्या होता है, हर सेक्शन में ना, जैसे कि वेल्डिंग मशीन चलता है, बहुत कुछ चलता है ना काम करने के लिए, जब फील्ड में जब काम चलता है, तो यहाँ से हम लोग पावर दे रहे हैं, PCC से यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से अलग अलग हर एक सेक्शन पे यहाँ से जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे VFD लगा हुआ है। ठीक ना, छोटा मोटा ऐसे ही रहता है। यहाँ पे देखिए ये वाला MLDB पैनल है, मेन लाइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यहाँ से हर सेक्शन पे लाइटिंग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ से पावर कहाँ से आ रहा है, PCC पैनल से यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से फील्ड में लाइटिंग के लिए जा रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्री में पावर। सेम ऐसे ही रहता है सिस्टम हर इंडस्ट्री का बेसिकली, लेकिन ऑपरेटिंग वोल्टेज डिफरेंस हो सकता है। तो एक लोड सेंटर आप लोगों को दिखा दिया हूँ, हर यहाँ पे जितने भी लोड सेंटर है, सेम ऐसे ही सिस्टम है पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने का। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों का कुछ क्वायरी हो तो फिर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।